દર્શક મિત્રો હું ઝારખંડ ડેલી ઇન્ડિયા ટીવીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ને દરેક ઉમેદવાર ઘર ઘર જઈને પોતાના વોટો માટે પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે। અમે આવેલા છે સુરતના એ વિસ્તારમાં જેનું નામ છે 164 વિધાનસભાના બીએસપી પાર્ટીથી લડી રહ્યા છે એટલે કે ઉદના વિસ્તારમાંથી ઇલેક્શન લડી રહ્યા છે જેનું નામ છે સુરેશભાઈ સોનાવડે। સુરેશભાઈ સોનાવડે હવે વોટોને પોતાના તરફેરમાં કરવા માટે શું શું આગળ કરશે કેમ કે અહીં ત્રિપાખીય જંગ છે બીજા ઘણા અપક્ષ પર છે અને બધી પાર્ટીઓ મજબૂત છે પરંતુ આ બધાની સામે સુરેશભાઈ સોનાવડે પણ અહીં ઇલેક્શન લડી રહ્યા છે। હવે સુરેશભાઈ સોનાવડે લોકોને ઘર ઘર જઈને કયા કયા મુદ્દાઓ ઉઠાવીને ઇલેક્શન લડે છે આપણે તેની સાથે વાતચીત કરશું। તો ચાલો સુરેશભાઈ સોનાવડે સાથે વાતચીત કરીએ ઝારાસંઘ જનતાના સવાલ અને સુરેશભાઈ સોનાવડેના જવાબ। सर आपका नाम क्या है, आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपका कौन सा एरिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं? नमस्कार साथियों मतदार भाइयों बहनों, मैं सुरेश भाई सोनावणे 164 उदना विधानसभा मत विस्तार से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हूँ। हाथी मेरा निशान है और हाथी की पहचान पूरे देश में है। चार बार मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। बहुजन समाज के नायक आदरणीय कांशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और एक वोट और एक नोट के साथ आज हम उनके विचारधारा को लेकर डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर आम आदमी के पास स्लम में गरीबों में झुपड़पट्टी में बहन मायावती जी का संदेश लेके जा रहे हैं। आप वोट प्रचार कर रहे हैं घर घर, तो आपका मेन मुद्दा क्या है, कौन से मुद्दे लेके लोगों के घर जा रहे हैं? 164 विधानसभा मत विस्तार के जो पहला मुद्दा है स्लम का, यहाँ पे 9 नंबर 12 नंबर 7 नंबर 0 नंबर प्रेम नगर क्रांति नगर उधर ये अपने राव नगर हमारे दरगाह प्रेम नगर से लेकर आगे सिद्धार्थ नगर ऐसे 65% इलाका स्लम का है। आज भी झुपड़पट्टी में आज हमारे साथ चलो 9 नंबर में ही ले लो, मेजर तो प्रेम नगर में ले लो। आज विकास के बाद भारतीय जनता पक्ष के लोग बोल रहे हैं मगर विकास गरीबों के साथ नहीं है, विकास अमीरों का हुआ है। आप जाके देखो 9 नंबर में प्रेम नगर में, आप जाके 0 नंबर में, अगर आदमी मर जाता है बहन तो उसको डोली की जगह खोड़े में लेके जाना पड़ता है, झूली में लेके जाना पड़ता है। क्या इसको विकास कहता है? कोई विकास नहीं है, ना रोड है ना लाइट है ना ड्रेनेज है ना संडेस है। आज भी हमारे बहनों को खुले में काने कोपरे में बैठना पड़ता है, ये शर्मजनक बात है सत्ताधीशों के लिए। दूसरा जो सवाल है शिक्षा का, या स्कूल है मगर स्कूल में शिक्षक नहीं है। एक स्कूल में 50 बच्चे 60 बच्चे को एक शिक्षक पढ़ाता है, मैं बोलता हूँ कि कैसे पढ़ेगा? अरे गांव में देहातों में तो 150 बकरे को हाँकने के लिए भी 2 लोग रखते हैं, और यहाँ विकास की बात हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो संगठित बनो संघर्ष करो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। आज हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि या ना तो कोई अच्छी स्कूल है ना कोई कॉलेज है ना किसी प्रकार का सरकारी स्कूल की व्यवस्था है ना सरकारी कॉलेज है, और हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसीलिए हमारा जो दूसरा मुद्दा है शिक्षा पर डिपेंड है। तीसरा है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य की बात लेंगे तो सिविल हॉस्पिटल और ये सीमियर हॉस्पिटल से कोई हॉस्पिटल ये विस्तार में नहीं है, और ये उदना विस्तार तो ऐसा समझते हैं कि ये इनके बाप की जागीर है। कोई भी MLA आए MP आए उनको कोई पड़ी नहीं है, ये चाहते कि यहाँ रहने वाले लोग हमारे मजदूर टाइप के लोग हैं, जिसको भी हम खड़ा कर देंगे ये आग लगा के वोट दे देंगे। मगर अब समय बदल गया है, लोगों के जो समस्या है कामदारों की समस्या है, बेकारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, महिलाएं त्राहिम पुकार रही है कितना गैस का बाटला का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, और सरकार बोलती है कि हम मस्त है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना अभी 15 दिन पहले आपने देखा होगा कि पुल गिर गया मोरबी में, 132 लोग मर गए। मोदी जी जब उधर जाते थे दीदी के गाँव में पश्चिम बंगाल में, तो कहते थे दीदी ओ दीदी क्या भ्रष्टाचार है आपके राज्य में, पश्चिम बंगाल में पुल गिर जाते हैं। आज जनता कह रही है, गुजरात की जनता कह रही है कि वो मोदी साहेब, वो आदरणीय मोदी साहेब, वो हमारा भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री साहेब, आ केवो तमे भ્રષ્ટાચાર કરો છો, કે આ માણસ તમે કોન્ટ્રાક્ટ આપો છો કે જે ઘડિયાળ બનાવે છે એને પુલ બનાવવાનું કામ આપો છો, કેટલી કટકી ખાધી છે। અને જ્યારે લોકો મરી જાય તો આ રિનોવેશન કરે છે હોસ્પિટલોનો, એ જનતા હવે આ લોકોના ઢોકલાપણને ઓળખી ગઈ છે। આ લોકોના કહેનીમાં કથનીમાં બહુ ફરક છે। આ જે પેપર લીક થાય છે અમારા વિદ્યાર્થીઓનો ભવિષ્ય ખતમ થઈ રહ્યો છે, જે પઢ્યા લીખા નવજવાન છે એમને નોકરી મળતી નથી, અને આવી કન્ડિશનમાં જનતા આ લોકોને સત્તા પરથી હટાવવા તત્પર બની છે। અને અમારો સૂત્ર છે
ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। सर दूसरी पार्टी आपके सामने बहुत मजबूत है, तो वो सभी पार्टियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सही बात कही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब ब्रिटिशों के सामने लड़े थे बहन जी, तब ब्रिटिशों के सूरज पूरे देश में पूरे विश्व में मतलब ख़त्म नहीं होता था, उनका सूरज पूरे विश्व में छाया हुआ था, और गांधी जी उनके सामने लड़े और जीते और देश को आज़ादी दिलाई, 75 वर्ष हम मना रहे। इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ी ताकत के सामने लड़ना हो तो छोटा आदमी नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं है। अगर हिम्मत हौसला और जनता जनार्दन का साथ हो, अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता अगर हमारे साथ होगी, तो कोई दुनिया की ताकत कोई दुनिया की बड़ी पार्टी हमें हरा नहीं सकती है। ये दुनिया ये कामदारों के बल पर, मजदूरों के बल पर, दलित समाज के बल पर, ओबीसी समाज के बल पर, मेहनत करने वाले लोगों के बल पर, लारी गल्ला वालों के बल पर, और जो बौद्ध समाज है हमारा, वो तमाम समाज, पाटिल समाज है, ओबीसी समाज है, मुसलमान समाज है, तमाम लोगों ने नक्की किया है कि सूरज भाई अन्याय के सामने लड़ने वाला व्यक्ति है, आप लड़ो आगे बढ़ो, आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप स्वयंभू मेहनत करेंगे। और आपने परसों देखा होगा रैली में हजारों सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग आए, बिना खाए पिए, बिना पेट्रोल डीजल के पैसे मांगे, बिना चाय पानी की आशा रखे, और सवेरे 10 बजे से तो 4 बजे तक हमारे साथ रहे। ये साबित करता है कि आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, झुपड़े में रहने वाला आदमी, सामान्य आदमी, ये देख रहा है कि बदलाव आना चाहिए। क्यों? कि अमीर अमीर हो रहा है, कल तक के फकीर आज अमीर बन गए, और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो गरीब हो गए, और जो गरीब थे वो एकदम गायब हो रहे। सर लास्ट में उधना वासियों, आप जिस विस्तार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस विस्तार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को यही मैसेज कहूँगा कि चुनाव का इलेक्शन है, कांग्रेस वाले आएंगे, भाजपा वाले आएंगे, अपने अपनी बात कहेंगे, मगर आपको ये तय करना है कि 75 साल की आज़ादी में आप लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, इसका जीता जागता सबूत दाखला आपके पास है। 40-50 साल से हमारे 9 नंबर मुरारजी वसाद सम्राट अशोक नगर झुपड़पट्टी है। एक समय था 80 के दशक में कि ये संघ वालों का बहुत ज़्यादा दादागिरी चलती थी, हमारे नौजवान उस समय लड़े उनके सामने, बाकी इन्होंने तो हमारे रास्ते बंद कर दिए थे। और ये लोग जानते हैं कि अगर अपना भाई जाएगा, अगर अपना नुमाइंदा जाएगा, तो हमारे जो दलितों के सवाल है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रश्न है, जाति प्रमाण पत्र का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, ये तमाम मजदूरों के सवाल है, लारी गल्ला वाले के सवाल है, और भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके सामने मैं आपको आधी रात के लिए काम होगा, रात दिन आपके साथ रहता हूँ। मेरे सामने जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस और भाजपा के, वो पैसे पात्र लोग हैं, माल तुझारेदार लोग हैं, वो जीत के आने के बाद कभी आपका मुँह दिखाएंगे नहीं। विलास ये जो अपने गए MLA थे पाटिल पटेल साहब, वो आप मैं पूछना चाहता हूँ, आप दुनिया को पूछ लो, ये विस्तार के नागरिकों को, कि कभी विकास पटेल इस विस्तार में MLA तरीके दिखाई दे। मैं यही कहूँगा कि कोई भी आदमी आपके साथ देगा नहीं, आधी रात को सूरज भाई सोने आपके साथ रहने वाला, आपके साथ जीने वाला, आपके साथ खाने वाला, जीने वाला और मरने वाला उम्मीदवार है सूरज भाई सोने। आप चंगे बत्ती से आप मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नहीं सर, कि आपका वोटों के प्रचार के लिए UP से कोई आए हुए, उनका हमें परिचय दीजिए। आदरणीय एक्स मिनिस्टर कल्चरल, आप भी आए हुए उत्तर प्रदेश लखनऊ से, मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ। सर आपका परिचय हमारे दर्शक मित्रों को दीजिए। हाँ नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मित्रों मेरा नाम है यशवंत उदयभान निकोस है, मैं एक्स कल्चर मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश 2007। मित्रों बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे बीच जो है मिस्टर हमारे सोनवने साहब, सुरेश सोनवने जी, मैं बहुत बड़े सेवक हैं, और मैं इनके लिए दुआएं शुभकामनाएं करूंगा तथागत से बाबा साहब से, कि ये कंधे से कंधा मिलाकर ये हजारों के इसमें चुनकर आ जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और मैं पूरे विदर्भ का, सॉरी, मैं पूरे गुजरात का दौरा करने के लिए आया हूं, और जहां जहां भी हमारे कैंडिडेट खड़े हैं उन सब के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं इसके माध्यम से, कि हमारे लोग घर घर से निकले और हमारे जो उम्मीदवार है वो घर घर जाके उनको कन्विंस करे कि इस देश में 75 सालों से इस देश में कांग्रेस, BJP, आप और अन्य पार्टियों ने यहाँ पर राजपाट किया है, और 27 साल से गुजरात में BJP ने राजपाट किया, हमें क्या मिला है? जैसे हमारे सोनवने साहब ने बताया है कि आज भी माली हालत में हम लोग जी रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं, इतिहास बता रहा है आज गुजरात का, कि गुजरात में माली हालत क्या है, SC ST OBC हमारे दलित मुस्लिम भाइयों की, पाटीदारों की क्या हालत है, आप खुद देख रहे हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से एक बार हमारे सेवक को मैं खास करके मेरे सुरमसुर का चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबाकर इनको चुनकर लाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सबको फिर से एक बार जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार करता हूँ। भरोसो करे છે કેમેરામેન મેરાજની સાથે ઝરા ખાન ડેલી ઇન્ડિયા વન ટીવી સુરત।